जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब्स हिंदी चैनल में एक बार फिर स्वागत है। एक और वैकेंसी निकली हुई है, आर्मी हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड ग्रुप सी की वैकेंसी निकली हुई है जयपुर राजस्थान में। पोस्ट चौकीदार कुक, एलडीसी, सफाई वाला, ट्रेडमैन, मेट, वाशरमैन, अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट नेम ग्रुप सी का पोस्ट निकला हुआ है इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर जयपुर में। वैकेंसी टोटल है 52। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 23 मई 2022, यानी 23/5/2022। फॉर्म आप लोग को ऑफलाइन भरना है, आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। indianarmy.nic.in पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपया है। 100 रुपया पेमेंट मोड कैसे करना है ये भी इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ। पोस्टल ऑर्डर 100 रुपया का ले लेना है। पोस्टल ऑर्डर जहाँ पे आप लोग का पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ से आप एक पोस्टल ऑर्डर ले लीजिएगा। पोस्टल ऑर्डर को किस पते पर लिखना है ये भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फेवर ऑफ SWE मेडिकल ब्रांच पब्लिक फंड, द फी विल बी एग्जाम्पेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविजन। इस पते पर आप लोग को पोस्टल ऑर्डर को लिखना है। फार्म कब स्टार्ट हो रहा है? फार्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है 9/4/2022। लास्ट डेट इस फार्म का है 23/5/2022, यानी 23 मई 2022 तक लास्ट डेट है इस फार्म को भरने का। एज लिमिट का बात करें तो एज लिमिट 23/5/2022 से 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। इस वीडियो में अभी बताने जा रहा हूँ कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। पहला पोस्ट चौकीदार में 9 पोस्ट है, कुक में 2 पोस्ट है, एलडीसी में 1 पोस्ट है, सफाई वाला में 3 पोस्ट है, ट्रेडमैन मैट में 4 पोस्ट है, वार्ड सहायिका का 16 पोस्ट है, वाशरमैन का 4 पोस्ट है, हेल्थ इंस्पेक्टर का 12 पोस्ट है, बारबर का 1 पोस्ट है। ये तो हो गया पोस्ट। किस पोस्ट में क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या है ये भी बता दे रहा हूँ। चौकीदार में 10वीं पास होना जरूरी है, अनिवार्य है। कुक में 10वीं पास और कुकिंग नॉलेज यानी खाना बनाने का अनुभव होना जरूरी है। एलडीसी क्लर्क में आता है जो कि 12वीं पास योग्यता मांगा गया है, इसमें टाइपिंग ज्ञान होना जरूरी है। ट्रेडमैन मेट में 10वीं पास, वार्ड सहायिका में 10वीं पास, वाशरमैन में 10वीं पास, सफाई कपड़ा साफ करने का नॉलेज अनुभव होना जरूरी है। हेल्थ इंस्पेक्टर में 12 पोस्ट है, इसमें योग्यता मांगा गया है 10वीं पास, स्ट्रेम इंस्पेक्टर कोर्स होना जरूरी है। बारबर में 1 पोस्ट, इसमें 10वीं पास बार काटने का नॉलेज होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दे रहा हूँ, यानी इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आगे का। पहले रिटेन एग्ज़ाम होगा, टेट टेस्ट होगा, स्केल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये भी बता दे रहे हैं कि एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन कितना रहेगा, मार्क क्या रहेगा। पहले जनरल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, मैथ में 50 क्वेश्चन, 25 मार्क, जीके में 50 क्वेश्चन,
50 मार्क, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क, यानी टोटल 150 नंबर का होगा। धन्यवाद वंशिका आल जाप्स हिंदी चैनल को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि आगे का जो भी जॉब लोकेशन आए आप लोग को वंशिका आल जाप्स हिंदी चैनल के माध्यम से पता चले। धन्यवाद साथियों।